नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। सीपीएल 2021 का रोमांच शुरू हो चुका है। इन दिनों वेस्टइंडीज में सीपीएल 2021 खेली जा रही है। एक से बढ़कर एक धुरंधर इसमें भाग ले रहे हैं। टूर्नामेंट में एक से बढ़कर एक प्रदर्शन देखने को भी मिल रहे हैं। सीपीएल 2021 का रोमांच और कैरेबियाई खिलाड़ियों की हैरतअंगेज कारनामे फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है। अब तक इस टूर्नामेंट में गेंदबाजों और बल्लेबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। इसके अलावा सीपीएल में फैंस को कई और चीज़ें भी मिलती हैं जो इसमें फैंस की दिलचस्पी को और ज़्यादा बढ़ा देता है। ऐसा ही कुछ एक नज़ारा सीपीएल के आठवें मैच में भी देखने को मिला, जिसे देखकर पहली नज़र में फैंस चौंक गए, लेकिन जब पूरा मामला सामने आया तो फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दरअसल गुयाना वॉरियर्स और सेंट कीट्स एंड पेट्रियट्स के बीच मैच के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गुयाना वॉरियर्स की बल्लेबाजी के दौरान 13वें ओवर में गेंदबाज ब्रावो गेंद करने के बाद गिर पड़े। ऐसे में बल्लेबाजी कर रहे हेटमायर रन लेने के लिए भागे, लेकिन पिच पर पहुंचकर हेटमायर ने मैदान पर गिरे गेंदबाज ब्रावो पर बल्ला तान दिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो गया। दरअसल हेटमायर ने मजाकिया अंदाज में ब्रावो पर बल्ला तान कर मजे लिए थे। बाद में हेटमायर और उनके साथी बल्लेबाज हफीज ने ब्रावो को गले लगा लिया और मैदान से उठने मदद की। हफीज और हेटमायर ने ब्रावो से जमकर मजे लिए और खेल की स्पिरिट का एक तरीके से शानदार नमूना भी पेश किया। लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं और बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं। मैच की बात करें तो सेंट कीट्स एंड पेट्रियट्स की टीम यह मैच 6 विकेट से जीतने में सफल रही। आपको बता दें, इस सीपीएल में कई शानदार खेल देखने को मिले हैं। आंद्रेसेल ने सीपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। आंद्रेसेल ने कैरेबियन प्रीमियर लीग रिकॉर्ड बुक में तूफान ला दिया था। उन्होंने पाकिस्तान के गेंदबाज वहाब रियाज के एक ओवर में 29 रन ठोक डाले थे। रसन ने केवल 14 गेंदों पर नाबाद 50 रनों की पारी खेली थी, जिसमें 3 चौके और 6 छक्के लगाए थे। इस मैच में जमैका ने किंग्स को 120 रनों से हराया था। यह भी सीपीएल के इतिहास में रनों के अंतर से सबसे बड़ी जीत थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।